हम पढ़ेंगे हुक की मात्रा। यहाँ पर हुक एक स्वर है और ये है इसकी मात्रा। ये हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है और जैसे ही व्यंजन की सर छोटी है व्यंजन का उच्चारण छोटा हो जाता है। जैसे रॉक पे हुक की मात्रा तो ये बन जाएगा हुक। रॉ पर हुक की मात्रा हुक। न पर हुक की मात्रा नुक। ब पर हुक की मात्रा हुक। तो यहाँ हमने देखा कि हुक एक स्वर है और ये इसकी मात्रा है और इसे हमेशा हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं। जैसे ही व्यंजन के साथ जुड़ती है व्यंजन का उच्चारण छोटा हो जाता है। अब हम हुक की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ेंगे। जैसे पहला शब्द है म ध ध की हुक की मात्रा मधु। मधु माने शहद। ये है शहद। मधु शहद होता है और मधुमक्खियां इसे फूलों से इकट्ठा करती हैं। अगला शब्द है क छ पे हुक की मात्रा आ कछुआ। कछुआ माने ये है एक जानवर। कौन है ये जानवर? कछुआ। और कछुआ हमें समुद्र के किनारे मिलता है। ये पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी। तो ये एक जानवर है कछुआ। अगला शब्द है सा ब पे हुक की मात्रा हुक न साबुन। साबुन जिससे हम रोज नहाते हैं अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए। ये है सा हुक न साबुन। अब अगला शब्द है चुगाबुर। चुगा चुगा जो कि हम जूतों के साथ पहनते हैं। ये क्या है? एक जुराब। अगला शब्द है बटुआ। बटुआ बटुआ माने ये जो पापा का पैसे रखने का बटुआ होता है तो हम बटुआ बोलते हैं। अगला शब्द है हमारा गुड़िया। गुड़िया तो बच्चों ये कौन है? ये है एक प्यारी सी गुड़िया और ये एक खिलौना है। ये क्या है? एक खिलौना गुड़िया। तो बच्चों आज हमने हुक की मात्रा की पहचान, हुक की मात्रा को लगाना और उसका उच्चारण सीखा।